हेलो एवरीवन, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरडी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी रिसेंट सीएचओ के एग्जाम होने वाले हैं, बिहार सीएचओ के। उसके लिए कुछ क्लासेज, 3 क्लासेज है वो आपके लिए अपलोड कर दी गई है। आज सीएचओ की क्लास 4 है और जितनी भी क्लासेज है सीएचओ के लिए वो टॉपिक वाइज डिसाइड की गई है। और आज की जो क्लास है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड है। देखो, सीएचओ की जो एग्जाम है वो एनएचएम के अंडर में आता है और बहुत सारी इसकी हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जो क्लासेज मैंने अपलोड किए यूट्यूब पे वो आप लोगों के लिए एग्जाम की प्रायोरिटी के हिसाब से अपलोड किए कि वो टॉपिक जो एग्जाम में अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उस तरह के टॉपिक्स पे मैंने ज़्यादा क्लासेज है वो आपके लिए अपलोड किए। तो ठीक है, आज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे रिलेटेड, और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो किसी न किसी प्रकार की एनएचएम या सीएचओ जैसी एग्जाम के अंदर पहले अपीयर हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको अपन एनआरएचएम बोलते हैं, वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, जो एनआरएचएम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 12 मई 2005, यानी 12 मई 2005 को, 7 अप्रैल 2005 को, या ऑप्शन सी बोल रहा है 12 मार्च 2005 को, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है 12 अप्रैल 2005 को। तो कब लॉन्च हुआ था एनआरएचएम, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये कब लॉन्च हुआ था? सिंपली पूछा गया है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एनएचएम की बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। तो 12 अप्रैल 2005 को, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी 12 अप्रैल 2005, 2005 के अंदर, 2005 के अंदर ये एनआरएचएम है वो लॉन्च हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1978 के अंदर, ऑप्शन बी 1994 के अंदर, ऑप्शन सी 1997 के अंदर, ऑप्शन डी 1999 के अंदर। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसको अपन आरसीएच प्रोग्राम भी बोलते हैं, आरसीएच प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये 2 फेज के अंदर लॉन्च हुआ था। एक तो फेज फर्स्ट बोला गया था, जो सबसे पहली बार जब लॉन्च हुआ था तब ये, और दूसरी बार भी लॉन्च हुआ था तब इसको फेज सेकंड बोला गया था। क्या बोला गया था इसको? फेज सेकंड बोला गया था। जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तब 1997 के अंदर जो आरसीएस प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था या लॉन्च हुआ था, और सेकंड जो आरसीएस प्रोग्राम है वो 2005 के अंदर, 2005 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। तो 2 फेज में लॉन्च हुआ था। बट क्वेश्चन में सिर्फ अपने से ये पूछा गया कि पहली बार जब आरसीएस प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, वो कब लॉन्च हुआ था? तो 1997 के अंदर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम इनिशियली स्टार्टेड फॉर टिल विच ईयर, जो एनआरएचएम स्टार्ट हुआ था और कब स्टार्ट हुआ था? 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो वो कितने सालों के लिए लॉन्च किया गया था, कितने सालों के लिए उसको लॉन्च किया गया था? एनआरएचएम सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था? 2005 के अंदर लॉन्च हुआ था। और इसकी स्ट्रेटजी क्या थी, इसकी प्लानिंग क्या थी कि इसको कितने सालों के लिए लॉन्च करना है? तो दोस्तों, इसको 7 साल के लिए लॉन्च किया गया था, 7 ईयर के लिए लॉन्च किया गया था। और क्वेश्चन में अपने को यह पूछा गया कि टिल विच ईयर, कौन सी साल तक के लिए लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011 एंड ऑप्शन डी 2012 के अंदर कब लॉन्च हुआ था एनआरएचएम, और कितने सालों के लिए और कब तक के लिए लॉन्च हुआ था? तो 2005 के अंदर लॉन्च हुआ था, 7 साल के लिए लॉन्च किया गया था, और किस ईयर तक? 2012 तक, 2012 तक। क्योंकि 2005 के अंदर, 2005 के अंदर जब 7 अपन प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 2012, यानी 2012 तक के लिए एनआरएचएम को जब स्टार्ट किया, तब इस प्लानिंग के साथ उसको स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पहले अपीयर हुए हुए हैं। द एनआरएचएम वाज लॉन्च विद द एम ऑफ फर्दर इंप्रूविंग हेल्थ इन रूरल एरियाज। जब एनआरएचएम लॉन्च किया था तो उसका मेन एम क्या था कि रूरल एरियाज के अंदर हेल्थ को इंप्रूव करना, द मेन फंक्शनरी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन दिस प्रोग्राम। एनआरएचएम के अंदर जो मुख्य भूमिका निभाने वाला जो हेल्थ केयर वर्कर है वो कौन था? ऑप्शन ए एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एएनएम बोलते हैं, एएनएम बोलते हैं। ऑप्शन बी पब्लिक हेल्थ नर्स, जिसको अपन पीएचएन बोलते हैं, इसको अपन पीएचएन बोलते हैं। इसके अलावा आशा। ऑप्शन डी लेडी हेल्थ विजिटर, लेडी हेल्थ विजिटर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि एनआरएचएम जब लॉन्च हुआ था तो उसका जो मेन टारगेट था वो रूरल एरियाज है उनके अंदर क्या था, हेल्थ को इंप्रूव करना था। इसके अंदर मेन फंक्शनरी कौन था, कौन सा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसने मेन भूमिका इसके अंदर निभाई थी? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल के आता है। यहाँ पे जो आशा है, जो आशा सहयोगिनी होती है, वो इसके अंदर मेन रोल प्ले किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, स्टेज की ऑफ रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रूरल हेल्थ मिशन है इसकी क्या स्ट्रेटजी थी और किसके अंदर उसने हेल्प की? ऑप्शन ए इनहेंस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया। ऑप्शन बी बोल रहा है रिड्यूस एमएमआर, यानी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को इसने रिड्यूस किया। ऑप्शन सी बोल रहा है स्ट्रेंथ सब सेंटर, जो सब सेंटर होते हैं उनको इसने मजबूती प्रदान की। तो जो ऑप्शन डी बोल रहा है वो बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे काम किए। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका मेन पर्पस क्या था और इसकी क्या भूमिका रही? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों की तीनों सही है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर अपन डी करेंगे। बिकॉज एनआरएचएम से क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा मिला, एमएमआर को कंट्रोल किया गया, रिड्यूस किया गया मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को, और ऑप्शन सी जो सब सेंटर है उनको मजबूती प्रदान की गई, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई, इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च इन, जो जननी सुरक्षा योजना है वो किस ईयर के अंदर लॉन्च की गई थी, कौन सी साल के अंदर जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2004, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2004, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005 एंड ऑप्शन डी 5 अप्रैल 2005। तो जननी सुरक्षा योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था, और वो भी किस तरीके से लॉन्च किया गया था, जो नेशनल मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम थी उसके वो रिप्लेस किया गया था जेएसवाई के अंदर। देखो जननी सुरक्षा योजना होती है इसको अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, जेएसवाई स्कीम, इसको अपन जेएसवाई स्कीम बोलते हैं। और ये जो जेएसवाई स्कीम है इसको 2005 को, और कौन से 2005 को, 5 अप्रैल 2005 को, सॉरी 12 अप्रैल 2005 को, किसको, 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को किसको रिप्लेस किया गया था, नेशनल मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम। एक योजना चलती थी पहले नेशनल मेटरनिटी बेनिफिट स्कीम, नेशनल मेटरनिटी बेनिफिट स्कीम, इस स्कीम को 12 अप्रैल 2005 को जेएसवाई स्कीम के अंदर क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। इसको किस में रिप्लेस किया गया, जेएसवाई स्कीम के अंदर रिप्लेस कर दिया गया। क्लियर है? और वो भी कब, 12 अप्रैल 2005 को, 2005 को। क्लियर है? तो जेएसवाई योजना कब लॉन्च की गई, 12 अप्रैल 2005 को। राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच नेशनल प्रोग्राम इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, ना तो चाइल्ड से रिलेटेड है ना फिर हेल्थ से रिलेटेड है, वो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शन ए बोल रहा है CSSM 1992, जो CSSM प्रोग्राम है वो 1992 को रिलीज हुआ था, जिसको अपन CSSM को बोलते हैं, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम।
इसको अपन बोलते हैं सेफ सर्वाइवल, सेफ मदरहुड प्रोग्राम। ओके, और ये कब लॉन्च किया गया था? ये 1992 में लॉन्च हुआ था। तो कॉमन सी बात है, ये चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर से रिलेटेड है। ऑप्शन बी आरसीएच, और आरसीएच का फर्स्ट पेज कब लॉन्च हुआ था? 1997 के अंदर, यानी चाइल्ड जो सॉरी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कब रिलीज हुआ था? 1997 के अंदर। और इसका जो सेकेंड फेज है वो कब आया था? 2005 के अंदर, 2005 के अंदर। बल्कि फर्स्ट पेज कब आया था? 97 के अंदर। क्लियर है? ओके। इसके अलावा ऑप्शन सी है डॉट्स, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम, और ये किसके लिए होता है? टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। जो 1996 के अंदर आया था, डॉट्स प्रोग्राम आया था, जो टीबी के पेशेंट के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम होती है। ओके, तो ये कभी भी चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा आईसीडीएस है, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, ये भी 1975 के अंदर आया था। यानी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, डेवलपमेंट स्कीम ये कब आया था? 1975 के अंदर आया था। तो ये भी किससे रिलेटेड है? चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो यहां पे राइट आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन सी निकल गया। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल के ऊपर अपने को वाटर प्यूरिफिकेशन करना होता है, तब उसकी प्रोसेस की अपन बात करते हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? जब दोस्तों अपन वाटर प्यूरिफिकेशन करते, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करते, तो इसकी थ्री स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है? थ्री स्टेप्स होती है, जिसके अंदर नंबर वन होती है स्टोरेज, जो नंबर वन होती है उसको स्टोरेज बोलते हैं। नंबर टू होती है उसको अपन फिल्ट्रेशन बोलते हैं, इसको अपन फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और जो नंबर थ्री इसकी होती है, इसकी स्टेप होती है, उसको अपन डिसइंफेक्शन बोलते हैं, डिसइंफेक्शन, या फिर इसको क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, और डिसइंफेक्शन को अपन क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। अब इसमें सिर्फ सिंपली अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की फर्स्ट स्टेप कौन सी है। लार्ज स्केल पे अपने को प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करना हो तब ऑप्शन ए स्टोरेज, तो बिल्कुल राइट आंसर है स्टोरेज, बिकॉज ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है, तो ये राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। इसके अलावा ऑप्शन बी में फिल्ट्रेशन है, तो ये क्या है? सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड स्टेप है। डिसइंफेक्शन क्या है? थर्ड स्टेप है। और जो बॉइलिंग है, ये किसी भी प्रकार के वाटर के प्यूरिफिकेशन की कोई प्रोसेस है वो नहीं है। ओके, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या निकल के आया यहाँ पे? ऑप्शन ए निकल के आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, द गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू, जो मिशन इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन एम क्या था? दोस्तों अभी रिसेंटली सीएचओ एमपी का एग्जाम हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे कि मिशन इंद्रधनुष है वो किससे रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने एमपी सीएचओ की भी जो सारे पेपर है उनके आंसर की अपलोड कर रखी है, तो वहां से देख सकते हो, क्योंकि उसी तरह के जो क्वेश्चन है वो सभी सीएचओ में पूछे जाते हैं। ओके, ऑप्शन ए अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सली अचीव करने के लिए। ऑप्शन बी वैक्सीनेट ऑल अंडर 5, ऑप्शन सी इंप्रूव मेटरनल हेल्थ, ऑप्शन डी इराडिकेट पुअर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूखमरी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। तो इनमें से मिशन इंद्रधनुष का मेन एम क्या था? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष है वो चलाया गया था अंडर 5 के, यानी 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्लियरली सबको एक साथ वैक्सीनेट कर देना, ये क्या था? मिशन इंद्रधनुष का मेन गोल था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा कि वैक्सीनेट ऑल अंडर 5, 5 साल से छोटे बच्चों को सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए, ये क्या था? मिशन इंद्रधनुष का पर्पस था। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बल्कि ये क्वेश्चन भी सीएचओ में आया था और ये पंजाब सीएचओ के अंदर भी पूछा गया था, बट इसके साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है वो एम्स जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएमसीएच के अंदर भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ए सिंगल टेबलेट, सिंगल टेबलेट जो कि 0.5 ग्राम की होती है, जिसको 0.5 ग्राम को आप 500 mg भी लिख सकते हैं,
0.5 ग्राम, और किसकी टेबलेट की अपन बात कर रहे हैं, क्लोरीन की टेबलेट की बात कर रहे हैं, वो कितने वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए सुफिशियंट है, क्योंकि क्लोरीन की टेबलेट क्लोरीनेशन के लिए यूज आती है जो कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम में आती है। तो 0.5 ग्राम की 500 एमजी की टेबलेट को, सिंगल टेबलेट को अपन कितने वाटर को प्यूरिफिकेशन के काम में ले सकते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है 10 लीटर ऑफ वाटर, ऑप्शन बी 15 लीटर ऑफ वाटर, ऑप्शन सी 20 लीटर ऑफ वाटर, ऑप्शन डी 25 लीटर ऑफ वाटर। तो क्लोरीन की टेबलेट से कितने वाटर को अपन डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है, और इसका राइट आंसर है 20 लीटर ऑफ वाटर। 20 लीटर वाटर को 0.5 ग्राम या फिर 500 एमजी की टेबलेट से अपन क्या कर सकते हैं? डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। जब वाटर की हार्डनेस को अपने को कभी भी खत्म करना हो, या फिर बोल सकते हैं कि हार्डनेस वाटर की अपने को कम करनी हो, तो उसको अपन किससे करते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। किसके द्वारा अपन वाटर की हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को अपन वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? वाटर की हार्डनिंग को या फिर हार्डनेस को अपन कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके अंदर यदि अपन सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे तो वाटर की हार्डनिंग है वो खत्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन सी निकल के आया। अब हार्डनेस को कम करने के लिए और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे बॉइलिंग के द्वारा भी वाटर की हार्डनेस को अपन कम कर सकते हैं। इसके अलावा लाइम, जिसको अपन हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, लाइम के द्वारा भी, लाइम को ऐड करके भी वहां पे वाटर की हार्डनेस को अपन कम कर सकते हैं। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पर दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, वहां पे हो सकता है बॉइलिंग आंसर दिया हुआ हो सकता है लाइम दिया हुआ हो सकता है कि तीन ऑप्शन में से एक में सोडियम कार्बोनेट दे दिया, एक में सोडियम कार्बोनेट दे दिया, दूसरे में बॉइलिंग दे दिया, तीसरे में लाइम दे दिया, और फोर्थ के अंदर ऑल ऑफ द अबव दे दिया। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सभी के सभी मेथड वाटर की हार्डनेस को कम करने के या फिर रिमूव करने के काम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस केयर इज रेंडरेड टू। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर सिंपली आपसे यह पूछा गया है कि अंडर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस किस किस को इंक्लूड किया गया है, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर एक तरीके से बोलते हैं IMNCI, इसको अपन बोलते हैं IMNCI, यानी यहां से इंटीग्रेटेड से हो गया आई, मैनेजमेंट से एम, नियोनेटल से एन, एंड चाइल्डहुड से हो गया सी, एंड इलनेस से हो गया आई, जिसको अपन शॉर्ट में IMNCI बोलते हैं। तो इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन ए ओनली न्यूबॉर्न को, ऑप्शन बी अंडर 5 चिल्ड्रन को, ऑप्शन सी 2 मंथ से लेके 5 ईयर तक के ओल्ड के चिल्ड्रन उनको, ऑप्शन डी एज अप टू 2 मंथ के बच्चे, और 2 मंथ से लेके 5 साल तक ओल्ड के जो चिल्ड्रन है उनको इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी निकल के आता है कि 2 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, और 2 महीने से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। 2 फेज के अंदर इसको अपन ट्रीट करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर। जो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1953 के अंदर, ऑप्शन बी 1958 के अंदर, ऑप्शन सी 1970 के अंदर, और ऑप्शन डी 2002 के अंदर। तो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, जिसको NMEP भी बोलते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1958 के अंदर NMEP है वो लॉन्च हुआ था। और राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन बी निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर, हेल्थ सर्विसेज का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए
प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ऑप्शन बी प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ऑप्शन सी क्योर फॉर्म ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। दोस्तों हेल्थ सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी डिजीज की प्रिवेंशन करना भी होता है और हेल्थ को प्रमोशन करना भी होता है, और जब किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन हो गई है तो उसे क्योर करना भी होता है। ये सभी के सभी सर्विसेज है वो हेल्थ सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चाइल्ड लेबर एक्ट वाज पास्ड इन टू ईयर ऑफ, जो चाइल्ड लेबर एक्ट है वो कब पास हुआ था, कौन सी ईयर के अंदर पास हुआ था? ओके, ऑप्शन ए 1984 के अंदर, ऑप्शन बी 1988 के अंदर, ऑप्शन सी 1986 के अंदर एंड ऑप्शन डी 1990 के अंदर। कब लॉन्च हुआ था, कब पास हुआ था? क्या चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट जिसको अपन सीएलए बोलते हैं, जो सीएलए है वो कब लॉन्च हुआ था या फिर कब चालू हुआ था? 1986 के अंदर चाइल्ड लेबर एक्ट है वो पास हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या निकल के आता है? ऑप्शन सी निकल के आता है। ओके, तो अपन ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड है, मे बी आपकी सीएचओ के एग्जाम्स के अंदर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, और आशा करता हूँ बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन समझ में आए और आपको समझ में अभी आए होंगे। और जो वीडियो के अंदर अपन ने जितने भी क्लासेस के जो जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपके लिए कितने हेल्पफुल है और कितने आपको समझ में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि कम्युनिटी में किन लोगों को किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है और जो क्वेश्चंस है वो किस तरह के लग रहे हैं, लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो आप एक बार अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अपनी सीएचओ की क्लास 4 थी और सीएचओ के एग्जाम से पहले पहले एक क्लास एक शानदार टॉपिक के साथ आपके लिए दोबारा फिर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड बाय, थैंक यू।